हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, फ्री फायर ई स्पोर्ट कम्युनिटी की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके अपन आ चुके हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, आप पूरे फ्री फायर ई स्पोर्ट कम्युनिटी से अपडेटेड हो जाओगे। तो चलो गाइस यार, आज का अपडेट का मतलब शुरुआत कर देते हैं। तो गाइस स्टार्ट ही अपन रॉकेट आर्टेक्स के ओपन लीग टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस आप उसका रिजल्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। कल के मैचेस का ये रिजल्ट है। देसी गेमर टेबल टॉप पे 87 पॉइंट के साथ 0 डिग्री सेकंड नंबर पे। दोनों टीम्स के पॉइंट लगभग सेम है। रेवेनेट ई स्पोर्ट थर्ड नंबर पे 74 पॉइंट के साथ। फोर्थ नंबर पे अपनी टीम डिलीट है। और गाइस बाकी का पॉइंट टेबल आप पॉज करके पढ़ लेना। उसी के साथ गाइस इसी टूर्नामेंट में अपनी टीम आरडीपी नाम की एक टीम खेली थी। तो शायद से गाइस ये अपने आरडीपी की लाइनअप है, अपनी ऑफिशियल आरडीपी की लाइनअप, आरडीपी ई स्पोर्ट टीम आरडीपी ऐसा कुछ नाम है, ठीक है गाइस। तो उसके प्लेयर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो गाइस यार, हमारा नेक्स्ट अपडेट अपने ओरंगुटान इलाइट की तरफ से। तो गाइस यार, आपको पता है, मतलब बहुत दिनों पहले पता चला था ओजी की कुछ दो लाइनअप होने वाली है, और मैंने कल बताया कि शायद अब मुश्किल लग रहा है। कल की वीडियो में बताया था कि ओजी की सेकेंड लाइनअप होंगी शायद से, अब ऐसा मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसके ऊपर मतलब अपने हेड्स प्लेयर ने कुछ चीजें बताई, तो उन्होंने क्या कहा आप देख लो। सेकंड लाइनअप होगी या नहीं इन फ्री फायर डिपेंड्स यार, जैसे मैं बोला, देखो इस पे इसके ऊपर कुछ हम लोग बात नहीं किया, कुछ डिसीजन नहीं लिया। तो गेम के ऊपर जो प्लेयर अवेलेबल हो टाइम पे, क्या स्किल लेवल पे है, सो उसके ऊपर विल सी इफ यू वांट अ सेकंड लाइनअप और मिलावली। तो गाइस जैसे कि अपने हेड्स प्लेयर ने कहा, कुछ डिसाइडेड नहीं है। अगर मतलब स्किल्स वगैरह अच्छी लगती है तो शायद से वो रख भी सकते हैं, नहीं तो वो मतलब छोड़ भी सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस यार, हमारा नेक्स्ट अपडेट अपने किलर एफएफ की तरफ से। तो गाइस यार, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी। उन्होंने लिखा था, भाई चिल दिस आर फेक फैंस, और भाई है तू जो भी लड़ाई करते हैं या स्पैम करते हैं, आलतू फालतू मत करो गाइस। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि मतलब यार, ऐसा चीज़ें मत करो कि दूसरों को हेट दे रहे हो या कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, उन्होंने यही कहा है, ठीक है। इसी के साथ गाइज, अपने टीम माफियाज के माफिया ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। उन्होंने भी मतलब यही सब चीज़ें बात की थी, जो हेट रेट होता है उसके ऊपर बातचीत उन्होंने की थी। उसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि मतलब यार, रियल फैंस और फेक फैंस के मतलब वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, तो आप वो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है गाइज। जरा हमारा नेक्स्ट अपडेट अपने ESPL की तरफ से। तो गाइज, जो ESPL का जो टूर्नामेंट होने वाला है, अभी तक पता नहीं चला किसका होने वाला है, BGMI या फ्री फायर। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा एक किसका हो सकता है। तो गाइस, जो ESPL का टूर्नामेंट है, उन्होंने मतलब जब अनाउंस किया था, ESPL सीजन 2 लिखा था, ठीक है। तो सीजन 1 किसका होता, अपने फ्री फायर का ही हुआ था ESPL सीजन 1। और BGMI का शायद से अभी तक उन्होंने कुछ टूर्नामेंट नहीं किया है। तो BGMI का होगा, तो यार BGMI के लिए कुछ थोड़ा टूर्नामेंट्स का नाम वगैरह इधर उधर चेंज कर सकते थे और सीजन 1 कर सकते थे, ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है, इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो। तो इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं फ्री फायर का भी हो सकता है, अपना ESPL सीजन 2, क्योंकि उन्होंने पहले भी अनाउंस कर दिया था, मतलब जब फर्स्ट सीजन हुआ था तभी मतलब उन्होंने बोल दिया था कि सेकेंड और भी बड़ा मतलब टूर्नामेंट आने वाला है, जिसका प्राइस पूल 1 करोड़ भी हो सकता है। तो शायद से ऐसा लग रहा है फ्री फायर मैक्स के लिए टूर्नामेंट हो सकता है। तो अब इसके ऊपर मेरे को कुछ कन्फर्म अपडेट नहीं है, लेकिन हो सकता है अब इस लॉजिक के ऊपर से। तो इसके ऊपर आप मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस लॉजिक से हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप देख सकते हो इस साइड को, ठीक है। और दूसरी साइड से देखो तो आपको दूसरे भी मतलब चांसेस लग सकते हैं। लेकिन गाइस यार, इसके ऊपर आपका ओवरऑल क्या ओपिनियन है, आप कमेंट मेरे को जरूर बताना। तो गाइस यार, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते किसी नए वीडियो के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि यार आप सब्सक्राइब नहीं करते, अब अनसब्सक्राइब करते, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, घट रहे नीचे। तो यार सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सपोर्ट कर दो, अभी ई स्पोर्ट कम्युनिटी भी मतलब हो जाएगा सेट धीरे, थोड़ा वेट कर लो। तो यार मतलब ई स्पोर्ट भी फिर से स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। तो यार सब्सक्राइब कर दो उसी बात पे, और लाइक कर दो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब। तो यार बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।